हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ राजकुमार सिंह फ्रॉम ठाकुर पब्लिकेशन प्राइवेट लिमिटेड। आज मैं जो टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ, जो सब्जेक्ट डिस्कस करने वाला हूँ, वो है सब्जेक्ट फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जो कि यूपी बीकॉम सेकेंड सेम का सब्जेक्ट है। इस सब्जेक्ट में जो जो टॉपिक हैं वो सारे हम लोग इस सब्जेक्ट में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम इस सब्जेक्ट का सिलेबस देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो सिलेबस कुछ इस तरीके से है इस सब्जेक्ट का, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। इस सिलेबस में हम बेसिक फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ेंगे, रॉयल्टी पढ़ेंगे, हायर परचेज पढ़ेंगे, इंस्टॉलमेंट परचेज सिस्टम पढ़ेंगे, डिपार्टमेंट पढ़ेंगे, ब्रांच पढ़ेंगे, इंसॉल्वेंसी और वॉयज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आज स्टार्ट करते हैं यूनिट फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट चैप्टर, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में आप देख पा रहे होंगे, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि अकाउंटिंग होता क्या है। Accounting is a synopsis of pertinent business transaction of an entity which regard to an individual asset, income or expenditure indicated under the headings. Accounting means लेखांकन। लेखांकन एक व्यक्ति के प्रमुख व्यापारिक लेन देन का एक सारांश होता है, जिसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति के संपत्ति या व्यय को हम प्रस्तुत करते हैं। In short, it is a history of monetary transaction. In short, हम ये कह सकते हैं कि accounting उन्हीं ट्रांजेक्शन की होती है, अकाउंटिंग में उन्हीं ट्रांजेक्शन की एंट्री होती है, रिकॉर्डिंग होती है, जो मॉनेटरी ट्रांजेक्शन में होते हैं। इन टर्म ऑफ अकाउंटिंग हैज आल्सो बीन डिफाइंड एज द रिकॉर्ड और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर रिसीव्ड रिलेटेड टू द पर्टिकुलर पीरियड। एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए जो भी एक्सपेंस हो रहे हैं, जो भी इनकम है, उन सबकी रिकॉर्डिंग हम अपने अकाउंटिंग में करते हैं। अब आगे आप देख रहे होंगे श्री कल्याण सुब्रमणि अय्यर, ये फादर ऑफ अकाउंटिंग है, फादर ऑफ अकाउंटिंग इन इंडिया, कल्याण सुब्रमणि अय्यर, जिनका जन्म 1859 को हुआ था और इनकी डेथ 1940 को हुई थी। श्री कल्याण सुब्रमणि अय्यर, जिनको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग KS अय्यर के नाम से जानते हैं, इन्होंने सबसे पहले भारत में वाणिज्यिक और लेखांकन शिक्षा के ये अग्रणी थे। मीन सबसे पहले इन्होंने अपना थॉट दिया किसके लिए, अकाउंटिंग के लिए इन इंडिया। वैसे तो आप जानते ही होंगे फादर ऑफ अकाउंटिंग ल्यूका पैसियोली है, लेकिन इंडिया में जिन्होंने सबसे पहले अपने थॉट्स, अपने व्यूज दिए, वो हैं श्री कल्याण सुब्रमणि अय्यर। इन्होंने 1886 से 1889 तक मद्रास में पचियप्पा कॉलेज चैरिटी द्वारा प्रारंभ किए गए भारत के पहले व्यावसायिक स्कूल में प्रधानाध्यापक के रूप में कार्य किया था। डॉक्टर अय्यर मद्रास विश्वविद्यालय और बम्बई विश्वविद्यालय के एक फेलो और सीनेट सदस्य के रूप में भी जाने जाते हैं, जहां इन्होंने 30 वर्षों तक अपने कार्यकाल की सेवा प्रदान की। जिस समय ये अपने कार्यकाल की सेवा प्रदान कर रहे थे, उसी समय इनकी एक फर्म है जिस फर्म में ये काम कर रहे थे। इनकी फर्म का ये उद्देश्य था कि लेखांकन में जो युवा दिमाग को आकार देने के लिए समर्पित थी। कहने का मतलब ये हुआ कि ज्यादा से ज्यादा युवाओं को अकाउंटेंसी से जोड़ा जाए, ये इनका बेसिक उद्देश्य था इनकी कंपनी का, इनकी फर्म का। आगे हम चलते हैं, ये हुआ इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में श्री सुब्रमणि अय्यर के बारे में हम लोगों ने बात किया। अब हम लोग बात करते हैं मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग होती क्या है? अकाउंटिंग इज यूज एज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। अकाउंटिंग हमेशा लैंग्वेज ऑफ बिजनेस है। लैंग्वेज ऑफ बिजनेस मीन्स व्यवसाय की भाषा है। व्यवसाय की भाषा के रूप में हम जानते हैं, जब भी कोई भी आप व्यवसाय करेंगे तो उसमें अकाउंटिंग की जरूरत आपको पड़ेगी। अकाउंटिंग इन्वॉल्व द प्रोसीजर ऑफ रिकॉर्डिंग द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स व्हिच आर हेल्प टू द यूजर्स फॉर एनालाइजिंग इंटरप्रेटिंग द फाइनेंशियल साउंडनेस ऑफ द बिजनेस। सिंपली ये कह सकते हैं कि अकाउंटिंग एक प्रोसीजर है जिसमें रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, इंटरप्रेटिंग, एनालाइजिंग, इन सब एलिमेंट्स को इन्वॉल्व करते हैं फिर हम बात करते हैं AICPA डेफिनेशन की, जो अकाउंटिंग की है, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट के थ्रू दी गई है। इसमें इन्होंने क्या दिया, द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग classifying and summarizing in a significant manner and in term of money. Recording, classifying, summarizing, मगर ये सारी चीजें जो भी transactions हो रहे हो उन वो किस form में होना चाहिए, money के form में होना चाहिए। Means जो transaction money के form में हो रहे हो, monetary form में हो रहे हो, उनकी recording, उनका classifying, उनका summarization, जो कि financial character के हो, इसी को हम accounting कहते हैं। एक दूसरी डेफिनेशन बर्बन एंड डर्विन के अकॉर्डिंग है, अकाउंटिंग मे बी डिफाइन एज द आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग एंड कम्युनिकेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। देन हम लोग डिस्कस करते हैं नेचर ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का नेचर क्या होता है?
मॉनेटरी ट्रांजेक्शन। अकाउंटिंग जो होती है वो हमेशा मॉनेटरी ट्रांजेक्शन नेचर की होती है, मीन्स अकाउंटिंग ओनली इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग ओनली दोज बिजनेस ट्रांजेक्शन विच कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ मनी आर टेकन इन टू अकाउंट। देन सेकेंड पॉइंट है हिस्टोरिकल नेचर। जो इसका नेचर होता है वो हिस्टोरिकल होता है। हिस्टोरिकल नेचर कैसे होता है, क्योंकि जो हम अकाउंटिंग करते हैं, जिन ट्रांजेक्शंस की हम अकाउंटिंग करते हैं, या तो वो पास डेटा हमारे पास हो या तो प्रेजेंट डेटा हो, फ्यूचर के डेटा के बेसिस पे हम अकाउंटिंग नहीं करते हैं, मीन्स एस्टिमेट पे हम अकाउंटिंग नहीं करते हैं। हम अभी यहाँ पे सिर्फ उन्हीं को उन्हीं की रिकॉर्डिंग करते हैं जो पास्ट में घटित हो चुके हों या प्रेजेंट में घटित हो रहे हों। तो इसलिए इसका नेचर है अकाउंटिंग का, ये हिस्टोरिकल होता है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट इज लीगल रिक्वायरमेंट। लीगल रिक्वायरमेंट कैसे आप कह सकते हैं, वित्तीय लेखांकन एक वैधानिक आवश्यकता है। लीगल रिक्वायरमेंट इसलिए है कि जो भी आप रिकॉर्डिंग करते हैं मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस की ड्यूरिंग को फॉर अ कंपनी इट इज अ मैंडेटरी टू हैव अ प्रॉपर रिकॉर्ड ऑफ ऑल द मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस टेकिंग प्लेस ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इट्स बिजनेस एंड प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट लाइक प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट अकाउंट। जब आप प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट अकाउंट बनाते हैं तो इन सबसे आपको पता चलता है कि आपके बिजनेस का प्रॉफिट क्या है, लॉस क्या है, फाइनेंशियल पोजीशंस क्या है। अब ये लॉस कितना, प्रॉफिट क्या हुआ है, फाइनेंशियल पोजीशंस क्या है, ये सारी चीजें जानना एक लीगल रिक्वायरमेंट हो जाती है। इसके लिए भी हम कह सकते हैं कि ये मैंडेटरी हो जाता है कि हम अपने मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग करते रहे। नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग आते हैं एक्सटर्नल यूज। एक्सटर्नल यूज क्या हो सकता है, जो हम अकाउंटिंग करते हैं उसका एक्सटर्नल यूज ये होता है, जैसे हमने बोला अभी ऊपर के पॉइंट्स में ही मैंने बताया कि हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, ये सारी चीजें प्रिपेयर करते हैं। तो उससे क्या होता है, जो हमारे कस्टमर हैं, जो हमारे सप्लायर हैं, जो हमारे लेंडर हैं, जो हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, या हमारे जो इन्वेस्टर हैं, रेगुलेटर हैं, ये सब के लिए यूजफुल होता है। जो हम अपना डेटा प्रिपेयर करते हैं इन सब के लिए यूजफुल होता है। तो एक तरीके से ये कह सकते हैं कि अकाउंटिंग एक्सटर्नल यूज के लिए भी बहुत ही हेल्पफुल होता है। देन फिफ्थ पॉइंट इज डिस्क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटस। डिस्क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटस का मतलब क्या हुआ, वित्तीय स्थिति का प्रकटीकरण। वित्तीय स्थिति में हमारी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, हमारे पास हमारे कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस कंडीशन क्या है, इस सारे डेटा को जानने के लिए भी हम लोग अकाउंटिंग यूज करते हैं, या कह सकते हैं कि अकाउंटिंग के थ्रू हमें ये फाइनेंशियल स्टेटस पता चलता है। देन इंटरिम रिपोर्ट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर द एंड रिजल्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ फाइनेंशियल अकाउंट, हाउएवर दे आर नॉट कंसीडर्ड फाइनल रिपोर्ट एज दे आर इंटरिम इन नेचर। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड रिजल्ट होता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट कब बनता है, जब हम पूरे कंपनी की रिकॉर्डिंग कर लेते हैं, जनरल लेजर, ट्रायल बैलेंस, ये सारे डिफरेंट टर्म्स होते हैं जिनके थ्रू हम अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं, जो कि आगे चल के हम लोग चैप्टर वाइज पढ़ते रहेंगे आगे। तो इन सब के थ्रू ये एक प्रोसेस है अकाउंटिंग का, जो अकाउंटिंग का प्रोसेस है उसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर हो जाने से हमें ये पता चल जाता है कि हमारी कंपनी का पोजीशन क्या है। वो फाइनल रिपोर्ट नहीं होती है, इंटरिम रिपोर्ट होती है, जो हम डे टू डे रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, या हम 6 महीने पे कोई भी अपने कंपनी का एनालिसिस कर ले रहे हैं, तो वो इंटरिम रिपोर्ट है। फाइनल रिपोर्ट होती है जो ईयर एंड में बनाई जाती है। तो ये भी एक अकाउंटिंग का नेचर है। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करते हैं, स्कोप ऑफ अकाउंटिंग। स्कोप ऑफ अकाउंटिंग का मतलब ये हुआ लेखांकन का क्षेत्र या लेखांकन का महत्व। तो लेखांकन का महत्व डिफरेंट फील्ड्स में है, जैसे कि बिजनेस फोरकास्टिंग के लिए भी अकाउंटिंग नेसेसरी होती है, उसका महत्व वहां है, उसका स्कोप है। प्रॉपर डिसीजन मेकिंग में उसका स्कोप है, करेक्ट टैक्सेशन में उसका स्कोप है, एनालाइज द परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस के लिए है, रिप्लेस मेमोरी, एनालाइज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द बिजनेस, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, प्रिवेंटिंग एंड डिटेक्टिंग फ्रॉड, हेल्पिंग इन रिलेशन ऑफ द डेट, हेल्पफुल इन मैनेजमेंट, हेल्पफुल टू मैनेजमेंट। तो ये डिफरेंट पॉइंट्स हैं स्कोप ऑफ अकाउंटिंग के। अब इन पॉइंट्स को वन बाय वन हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहला पॉइंट हम लोगों ने ऊपर देखा था बिजनेस फोरकास्टिंग। बिजनेस फोरकास्टिंग क्या है, बिजनेस एंटिटी इज इंटरेस्टेड इन एसर्टेनिंग इट्स फ्यूचर लेवल ऑफ बिजनेस ऑन द बेसिस ऑफ इट्स पास्ट एज वेल एज प्रेजेंट लेवल ऑफ द बिजनेस एक्टिविटी। जो हमारे पास बिजनेस एक्टिविटी हो रही है, जो भी हमारे पास ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, जो कि पास डेटा है, जो कि और हमारे पास प्रेजेंट डेटा है, उनके थ्रू जब हमें ये पता चलता है कि हमारे बिजनेस की कंडीशन क्या है, तो हम बिजनेस फोरकास्ट कर सकते हैं। उस डेटा के थ्रू हम ये फोरकास्टिंग कर सकते हैं कि भविष्य में हमें क्या करना चाहिए। जैसे कि यहाँ मैंने एक एग्जाम्पल के थ्रू भी आपको समझाया है, इफ अ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इंगेज
in the manufacturing of sports shoes want to go ahead for the expansion and diversification of its activity into the manufacturing of formal shoes, the accounting may prove the extremely helpful for taking appropriate forecasting decision. कोई भी स्पोर्ट्स शू की कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो कि स्पोर्ट्स शू बनाती है, अभी वो फॉर्मल शू बनाना चाह रही है, तो स्पोर्ट्स शू जब वो बना रही है और उसकी मार्केटिंग कर रही है, उसका बिजनेस कर रही है, तो वो ये देख सकती है कि उससे उसको क्या प्रॉफिट हो रहा है, किस तरीके की मार्केट है शूज की. तो ये सारे डेटा अपने पास कलेक्ट करने के बाद, एनालाइज करने के बाद, वो कंपनी इस कंक्लूजन तक पहुंच सकती है कि उसको फॉर्मल शूज का बिजनेस करना चाहिए या नहीं. तो बिजनेस फोरकास्टिंग आप अकाउंटिंग के थ्रू कर सकते. सेकेंड पॉइंट इज प्रॉपर डिसीजन मेकिंग. प्रॉपर डिसीजन मेकिंग, कंपनी में जो डिसीजंस लिए जाते हैं अकाउंटिंग उसमें बहुत ही हेल्पफुल होता है. जैसे फर्स्ट पॉइंट, फिक्सिंग द प्राइस ऑफ फिनिश गुड्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर कॉस्ट. कॉस्ट के बेसिस पे किसी भी गुड्स की प्राइस फिक्स करना. कैसे? जो भी प्रोडक्ट हम बना रहे हैं उसमें कितनी कॉस्ट आ रही है ये देखते हुए ही हम उस प्राइस की सेलिंग प्राइस डिसाइड करते हैं, या कह सकते हैं कि हम उसकी फिनिश गुड्स की प्राइस को फिक्स करते हैं. सेकेंड पॉइंट इज इन्वेस्टमेंट लेवल इन न्यू प्रोजेक्ट. नए प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करना है आपको, और नए प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए जब आपके पास अकाउंटिंग का पूरा डेटा रहेगा, पूरा एनालिसिस आपके पास रहेगी, तो आप ये इंटरप्रेट कर सकोगे कि हमारी कंडीशन क्या है, देन आप नए प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ये डिसीजन ले सकते हैं. इंक्रीज इन सैलरी वेजेस ऑफ इट्स एम्प्लॉई लेबर. अपने बिजनेस में सैलरी एंड वेजेस एम्प्लॉई की आपको बढ़ानी है, तो उसके लिए भी आपके पास अकाउंटिंग डेटाबेस होना चाहिए. डिविडेंड, बोनस, ये सब डिस्ट्रीब्यूशन भी करने के लिए आपके पास अगर अकाउंटिंग है, मीन्स आप अकाउंटिंग कर रखे हैं, पूरा डेटा आपके पास है, तो ये डिसीजन लेने में आपको बहुत ही आसानी होगी. अब हम लोग बढ़ते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ, करेक्ट टैक्सेशन. एक कंपनी को विभिन्न सरकारी करों के लिए दायित्वों के संबंध में अपने दायित्वों को पूरा करना है, जैसे सेवा कर, आयकर, बिक्री कर, उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क आदि. कहने का मतलब ये सिंपल हुआ कि कोई भी कंपनी है जिसको ये सारे, जैसे कि आप यहां देख पा रहे होंगे, सेल्स टैक्स, सर्विस टैक्स, इनकम टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम्स, ये सब पेड करना होता है, ये सब पे करना होता है. तो जब आपके पास पूरा डेटा रहेगा, पूरा एनालिसिस रहेगा, पूरी अकाउंटिंग रहेगी, पूरी फाइनेंशियल रिकॉर्डिंग रहेगी आपके पास, तो आप ये डिसाइड कर पाओगे कि हाँ क्या टैक्स किस प्रोडक्ट पे कैसे कितना अप्रोप्रिएट है. तो करेक्ट टैक्सेशन में भी अकाउंटिंग का स्कोप है. नेक्स्ट पॉइंट इज रिप्लेसिंग मेमोरी. रिप्लेसिंग मेमोरी क्या है? रिप्लेसिंग मेमोरी का सिंपल मतलब यह है कि जो भी ट्रांजैक्शंस हो रहे हो बिजनेस में, आप उसको पूरा याद रख पाओ, ये पॉसिबल नहीं है. इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? अकाउंटिंग करते हैं, डे टू डे अकाउंटिंग करते हैं. डे टू डे जो भी वर्किंग हो रही है, जो भी लेन देन हो रहे हैं, जो भी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, उनकी हम लोग रिकॉर्डिंग करते हैं. तो उस रिकॉर्डिंग के थ्रू इन फ्यूचर कभी भी आपको कुछ भी समझना हो तो आप देख सकते हो, उससे समझ सकते हो. तो एक तरीके से ये कह सकते हैं कि मेमोरी में हमें इतना याद रखने की जरूरत नहीं है अगर हम अपने बिजनेस की अकाउंटिंग प्रॉपर कर रहे हैं. सेकेंड पॉइंट इज एनालाइजिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस. परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस कैसे हमें पता चल जाएगा? मेंटेनेंस ऑफ प्रॉपर रिकॉर्ड ऑफ एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन थ्रू अकाउंटिंग इनेबल वन टू एसर्टेन द परफॉर्मेंस ऑफ अ कंपनी इन टर्म्स ऑफ इनकम, एक्सपेंडिचर, प्रॉफिटेबिलिटी एटसेट्रा. अगर हम बिजनेस परफॉर्मेंस को अगर हम अकाउंटिंग मेंटेन कर रहे हैं तो हमें बिजनेस परफॉर्मेंस एनालाइज कर सकते हैं. कहने का मतलब सिंपली ये हुआ, किसी भी कंपनी में क्या इनकम हो रहा है, क्या एक्सपेंडिचर हो रहा है, क्या प्रॉफिट हो रहा है, अगर हम अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स रख रहे हैं तो ये सारी चीजें, ये फैक्ट एंड फिगर हमें मालूम चल सकता है. तो हम अपने बिजनेस का परफॉर्मेंस इजिली एनालाइज कर सकते हैं. तो ये भी एक अकाउंटिंग का स्कोप हो गया. ओके, नेक्स्ट पॉइंट है हम लोगों का डॉक्यूमेंट्री एविडेंस. जो भी अकाउंटिंग हम करते हैं उसमें हम प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं. तो जो रिकॉर्ड मेंटेनिंग है हमारा, वो हम इन फ्यूचर लीगल के तौर पे भी यूज कर सकते हैं. दे कैन बी प्रोड्यूस्ड एज अ प्रूफ इन द कोर्ट ऑफ लॉ टू वेरीफाई द नेसेसरी बिजनेस क्लेम. अगर कोई भी बिजनेस क्लेम करता है तो जो हमारे पास प्रॉपर रिकॉर्डिंग है उसके थ्रू हम लोग कोर्ट में भी ये डॉक्यूमेंट्स एविडेंस के तौर पे प्रस्तुत कर सकते हैं. इसलिए ये कह सकते हैं कि अकाउंटिंग बहुत ही नेसेसरी है. यहाँ भी एक इंपॉर्टेंस है अकाउंटिंग का. हेल्पिंग इन रियलाइजेशन ऑफ डेप्ट. डेप्ट हमें रियलाइज करने में हेल्प होता है.
सिंपल ये कहने का मतलब हुआ, लेखांकन प्रक्रिया के भाग के रूप में जिनके साथ एक कंपनी व्यवहार करती है सभी पक्षों के व्यक्तिगत खाता तैयार किए जाते हैं। ये खाते देनदारों के साथ साथ लेनदारों के देय राशि के उचित राशि का प्रकटीकरण करते हैं। विशिष्टियों की पुष्टि एवं ऋणों के शीघ्र भुगतान के लिए उन्हें देनदार के पास भेजा जा सकता है। लेनदारों का समय पर भुगतान की कंपनी द्वारा सुनिश्चित किया जा सकता है। इसका सिंपल कहने का मतलब ये है कि अगर हम फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स या रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शंस प्रॉपर मेंटेन करते हैं तो क्या देनदारियां हैं क्या लेनदारियां हैं ये टाइम टू टाइम हमें पता चलता रहेगा, और जो भी देनदार हैं उनसे कितना भुगतान हमें लेना है या हमें जो भी लेनदार हैं उनको कितना भुगतान देना है ये सुनिश्चित किया जा सकता है। तो रियलाइजेशन ऑफ डेब्ट में भी हेल्पफुल है अकाउंटिंग। नेक्स्ट पॉइंट इज प्रिवेंटिंग एंड डिटेक्टिंग फ्रॉड। ये पॉइंट कैसे इंपॉर्टेंट है या इसका स्कोप अकाउंटिंग में कैसे है? जब हम अकाउंटिंग करते हैं प्रॉपर रिकॉर्डिंग करते हैं तो जो फ्रॉड होते हैं उसके चांसेस बहुत कम होते हैं, या कह सकते हैं कि हम धोखाधड़ी के एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में किसी कंपनी में होने वाली चोरी या गबन ज्ञात करना आदि का आकलन, जवाबदेही निर्धारित करना इत्यादि को लेखांकन के माध्यम से सुविधाजनक बनाया जा सकता है। सिंपल कहने का मतलब ये हुआ अगर हम अकाउंटिंग प्रॉपर कर रहे हैं तो फ्रॉड से बच सकते हैं और उसको रोका जा सकता है। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट इज हेल्पफुल टू मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के लिए कैसे हेल्पफुल है? अगर हम प्रॉपर अकाउंटिंग रखते हैं तो होता यह है कि हम अपने बिजनेस का परफॉर्मेंस एक पर्टिकुलर डेट को या पर्टिकुलर पीरियड को ये मालूम कर सकते हैं कि हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजिशन क्या है। तो ये मैनेजमेंट के लिए इस तरीके से हेल्पफुल हो गया। नो द एसेट एंड लाइबिलिटी ऑफ द बिजनेस एज ऑन पर्टिकुलर डेट। असेट और लाइबिलिटी के बारे में हम जान सकते हैं अपने बिजनेस की, हमारे पास क्या असेट्स हैं क्या लाइबिलिटीज हैं, तो वो भी मैनेजमेंट के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। देन अंडरस्टैंडिंग द सोर्स एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड इन द बिजनेस। बिजनेस में क्या सोर्सेस हैं क्या एप्लीकेशंस हैं किसके, फंड के। अकाउंटिंग अगर प्रॉपर रिकॉर्डिंग चल रहा है तो कहां कहां क्या क्या सोर्सेस हैं क्या क्या एप्लीकेशन है फंड के वो हमें पता चल जाएगा, एंड इसके थ्रू हमारे मैनेजमेंट के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। मीन्स अकाउंटिंग मैनेजमेंट के लिए यहाँ पे हेल्पफुल है। कंपेयर द अचीवमेंट विद द प्रोजेक्टेड और द डिजायर्ड ऑन्स। हम इससे ये भी कर सकते हैं अगर हम प्रॉपर रिकॉर्ड रख रहे हैं तो हमारे पास एक प्रोजेक्टेड पहले से ही हमारे पास एक प्रोजेक्टेड डेटा होगा और हमारे पास डिजायर्ड डेटा मिल रहा है, दोनों को कंपेयर कर सकते हैं अगर हम प्रॉपर अकाउंटिंग रख रहे हैं तो ये भी एक तरीके से कह सकते हैं कि मैनेजमेंट के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं हम लोग का। नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के उद्देश्य क्या होते हैं? अभी हमने पढ़ा अकाउंटिंग का नेचर क्या है, अकाउंटिंग का स्कोप क्या है, अकाउंटिंग होता क्या है। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग के उद्देश्य क्या होते हैं। तो सबसे पहला उद्देश्य जो अकाउंटिंग का होता है टू कीप सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। सिस्टमैटिक रिकॉर्ड मेंटेन करना, मेंटेनेंस ऑफ प्रॉपर एंड सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल द बिजनेस ट्रांजैक्शन इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव है डे टू डे डेली वर्किंग में जितने भी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं उनकी प्रॉपर रिकॉर्डिंग करना। सेकेंड पॉइंट इज टू डिटरमाइन प्रॉफिट एंड लॉस। जब डे टू डे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किए जाएंगे उससे हमें प्रॉफिट एंड लॉस पता करने में, ट्रेडिंग पी एल एंड बैलेंस शीट जब बनाएंगे तो ये डेटा हेल्पफुल होंगे, फाइनेंशियल पोजिशन पता करने में हमें ये हेल्पफुल होंगे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हमें प्रॉफिट एंड लॉस पता करने के लिए अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स होना चाहिए और अकाउंटिंग रिकॉर्ड मेंटेन प्रॉपर अगर हम एक कंपनी में कर रहे हैं एक बिजनेस में कर रहे हैं तो ये हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल है। थर्ड पॉइंट इज टू एसर्टेन फाइनेंशियल पोजिशन। फाइनेंशियल पोजिशन हमें पता चल सकती है बिजनेस की अगर हम लेखांकन के वित्तीय लेखांकन के सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य में से एक व्यापारिक प्रबंधन को व्यापार की वित्तीय स्थिति को ज्ञात करने में सक्षम बनाना है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए वित्तीय वर्ष के अंत में एक आर्थिक चिट्ठा बैलेंस शीट बनाया जाता है। उस बैलेंस शीट आर्थिक चिट्ठा में एक व्यवसायिक इकाई के संपत्ति और दायित्व का विवरण एक विशेष तिथि पर दर्शाया जाता है। तो कहने का मतलब ये हुआ फाइनेंशियल पोजिशन हमें कैसे पता चलता है, हम अपने बिजनेस में अपने कंपनी में क्या बनाते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं जिसमें हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं। बैलेंस शीट में असेट दिखाते हैं लाइबिलिटीज दिखाते हैं, कंपनी की क्या असेट है क्या लाइबिलिटीज है, ये चीजें हमें जब पता चल जाएगी तो हमारी कंपनी की ओवरऑल पोजीशन क्या है वो हमें पता चल सकेगी। तो ये नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव हो गया अकाउंटिंग का। तो फोर्थ पॉइंट है टू कम्युनिकेट द इंफॉर्मेशन। अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव होता है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करना। किसको इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करना, जो ओनर्स हैं क्रेडिटर्स हैं एम्प्लॉइज हैं
इन्वेस्टर है, रेगुलेटर है, गवर्नमेंट अथॉरिटी है, इन सबको इंफॉर्मेशन देना रिगार्डिंग फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन कंपनी की क्या है, बिजनेस की क्या है, क्योंकि बिजनेस में सबका इन्वेस्टमेंट हो, इन्वेस्टर का इन्वेस्टमेंट है जो उसके, या कह सकते हैं कि क्रिएटर्स हैं जो एम्प्लाइज हैं, इन सबको कंपनी के बारे में इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना। तो अकाउंटिंग अगर हो रही है, या कह सकते हैं अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव है कि इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेट करना टू डिफरेंट स्टेक होल्डर्स। ओके, तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग फिनिश होता है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों का है बुक कीपिंग। बुक कीपिंग अकाउंटिंग के ही तरीके से है, जैसे जो अकाउंटिंग है वही चीज बुक कीपिंग भी होता है, और थोड़ा सा डिफरेंस है जो आगे डिफरेंस में हम चल के पढ़ेंगे। बुक कीपिंग मे बी डिफाइंड इन सिंपल टर्म एज द रिकॉर्डिंग ऑफ ऑल द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन सच एज परचेज, सेल, रिसीट, पेमेंट पर्टेनिंग टू एन इंडिविजुअल और अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। जो भी परचेज हो रही हो, सेल हो रही हो, पेमेंट हो, रिसीप्ट हो, इन सब फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना ही बुक कीपिंग कहलाता है फर्स्ट ऑफ ऑल। देन बुक कीपिंग की डेफिनेशन आर्यन कार्टर ने दिया हुआ है। बुक कीपिंग इज द साइंस एंड आर्ट ऑफ करेक्टली रिकॉर्डिंग इन बुक्स ऑफ अकाउंट ऑल दोज बिजनेस ट्रांजेक्शन दैट रिजल्ट इन ट्रांसफर ऑफ मनी और मनीज वर्थ। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जो कि आर्यन कार्टर ने बोला कि जो जो भी ट्रांजेक्शंस मनी में हो रहे हो, या मनीज वर्थ, या उनकी वर्थ जो है वो मनी में हो, उनकी रिकॉर्डिंग करना ही बुक कीपिंग कहलाता है। देन नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में डिफरेंस क्या है, तो सबसे पहला डिफरेंस हम स्कोप के थ्रू जानते हैं। हमने इसमें आप देखेंगे कि बेसिस ऑफ डिफरेंस बुक कीपिंग देन अकाउंटिंग। इस तरीके से डिफरेंस बताने के लिए सबसे पहले मैंने बोला बेसिस ऑफ डिफरेंस, स्कोप के थ्रू कैसे बुक कीपिंग और अकाउंटिंग आपस में डिफरेंस है। बुक कीपिंग इन्वॉल्व रिकॉर्डिंग ऑफ वेरियस बिजनेस ट्रांजेक्शन फाइनेंशियल ओनली एंड मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट। बुक कीपिंग में क्या किया जाता है, बिजनेस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है जो कि फाइनेंशियल नेचर के हों, और मेंटेन किया जाता है उनके थ्रू बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अकाउंटिंग में, अकाउंटिंग इज बियॉन्ड द रिकॉर्डिंग एंड मेंटेनिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। मीन्स अकाउंटिंग में भी रिकॉर्डिंग होती है, मेंटेनिंग होती है बुक्स ऑफ अकाउंटिंग की, लेकिन उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं इससे, इट इन्वॉल्व्स एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द डेटा प्रोवाइड थ्रू बुक कीपिंग। जो बुक कीपिंग के थ्रू डेटा प्रोवाइड होता है उससे हम एनालाइज और इंटरप्रेट कर सकते हैं। तो मेजर डिफरेंस स्कोप के सेंस में अगर देखें बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में, बुक कीपिंग में सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं और मेंटेन करते हैं। क्या मेंटेन करते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करते हैं। अब ये जो बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन किए गए हैं, इनके थ्रू एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन भी हम अकाउंटिंग में कर सकते हैं। देन सेकेंड पॉइंट स्टेजेस, स्टेजेस मीन्स चरण। जो बुक कीपिंग है वो रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन का इनिशियल स्टेज है, पहला स्टेज कह सकते हैं आप बुक कीपिंग है। देन सेकेंडरी स्टेज होता है आपका अकाउंटिंग, जिसमें उसमें भी बिजनेस ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किए जाते हैं, बुक कीपिंग में भी बिजनेस ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किए जाते हैं, लेकिन ये वाउचर से सबसे पहले बुक कीपिंग रिकॉर्ड में रिकॉर्डिंग की जाती है, देन बुक कीपिंग के आगे उसी के हेल्प से हम रिकॉर्ड करते हैं अकाउंटिंग। देन ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव के सेंस में कैसे डिफरेंस है बुक कीपिंग और अकाउंटिंग। मेंटेनेंस ऑफ प्रॉपर रिकॉर्ड ऑफ ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन इन सिस्टमैटिक मैनर, एक सिस्टमैटिक मैनर में बिजनेस में जो भी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं उनको रिकॉर्ड किया जाता है इन बुक कीपिंग। एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन विद अ व्यू टू अराइव एट सम मीनिंगफुल कंक्लूजन एंड फैसिलिटेट द मैनेजमेंट इन टेकिंग डिसीजंस। अब यहां पे क्या होता है, रिकॉर्डिंग तो करते ही है, उसके साथ में हम क्या करते हैं, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन करते हैं बिजनेस ट्रांजेक्शन को, जिससे क्या होता है कि मैनेजमेंट को डिसीजंस लेने में हेल्प मिलती है। तो ये डिफरेंस हो गया आपका ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में। देन नेचर के बेसिस पे, नेचर के बेसिस पे बुक कीपिंग और अकाउंटिंग कैसे डिफरेंट है। नेचर ऑफ बुक कीपिंग इज मोस्टली रेपिटेटिव, रूटीन एंड क्लरिकल। मीन्स बुक कीपिंग में जो डेटा रिकॉर्ड किए जाते हैं, जो बिजनेस के ट्रांजेक्शंस रिकॉर्ड किए जाते हैं, वो डे टू डे ट्रांजेक्शंस होते हैं, वो क्लरिकल ट्रांजेक्शन होते हैं, वो रूटीन के ट्रांजेक्शंस होते हैं। देन अंडर अकाउंटिंग, नेचर ऑफ अकाउंटिंग इज एनालिटिकल इंटरप्रिटेशन एंड एग्जीक्यूटिव। यहां हम जिनकी रिकॉर्डिंग करते हैं उनसे हम एनालाइज और इंटरप्रेट कर सकते हैं क्या कंपनी का, बिजनेस का, सॉरी थोड़ा सा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है नेचर, नेचर के सेंस में बुक कीपिंग और अकाउंटिंग कैसे डिफरेंस है। बुक कीपिंग के अंदर अगर हम देखें तो नेचर ऑफ बुक कीपिंग इज मोस्टली रिपीटेटिव, रूटीन एंड क्लरिकल। यहां पे हम बुक कीपिंग में
जो भी डेटा रिकॉर्ड करते हैं रूटीन बेसिस पे करते हैं, क्लरिकल बेसिस पे करते हैं, रेपिटेटिव बेसिस पे करते हैं, मतलब डे टू डे ट्रांजेक्शन जो होते हैं वो बुक कीपिंग में रिकॉर्ड होते हैं, डेली वही ट्रांजेक्शन आपके आते रहते हैं। अंडर अकाउंटिंग, नेचर ऑफ अकाउंटिंग इज एनालिटिकल इंटरप्रिटेशन, यहाँ पे जो डेटा रिकॉर्ड करते हैं उनसे हम एनालाइज कर सकते हैं अपने बिजनेस को और बिजनेस को इंटरप्रेट कर सकते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस हुआ नेचर के सेंस में। देन रिस्पॉन्सिबिलिटी, बुक कीपिंग और अकाउंटिंग के बीच में अगर हम बात करें रिस्पॉन्सिबिलिटी के बेसिस में कैसे दोनों डिफरेंस है, तो द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बुकिंग इज टू बुक कीपिंग बुक कीपर इज टू रिकॉर्ड बिजनेस ट्रांजेक्शन इन एन एक्यूरेट मैनर। यहाँ बुक कीपिंग की सॉरी बुक कीपर का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि बिजनेस ट्रांजेक्शन को एक्यूरेट मैनर में रिकॉर्ड करना, जो भी डे टू डे ट्रांजेक्शन है उनको। एन अकाउंटेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एनालाइज एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ अ बुक कीपर्स वर्क, जो बुक कीपर ने ट्रांजेक्शंस रिकॉर्ड किया है, बिजनेस ट्रांजेक्शंस की रिकॉर्डिंग की है, उसको एनालाइज करना, उसको इंटरप्रेट करना, ये अकाउंटेंट का वर्क होता है। तो ये बेसिक डिफरेंस हो गया रिस्पॉन्सिबिलिटी के बेसिस पे बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में। देन नॉलेज लेवल पे कैसे कह सकते हैं कि बुक कीपिंग और अकाउंटिंग डिफरेंट है। एज द बुक कीपर जॉब इज रूटीन इन द नेचर, इट इज नेसेसरी फॉर ही आर सी टू हैव एन इन डेप्थ नॉलेज एज कंपेयर टू एन अकाउंटेंट। यहाँ पे इनको बहुत डिटेल नॉलेज नहीं चाहिए होता है, किसको, बुक कीपर को, इन कंपेरिजन टू अकाउंटेंट। तो यहाँ पे जो आपका बुक कीपर होगा उसके पास उतना नॉलेज नहीं होगा जितना कि एक अकाउंटेंट के पास होगा, और जबकि एक अकाउंटेंट के पास क्या होता है, बुक कीपर से ज्यादा नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि ये क्या करते हैं, जो बुक कीपर ने डेटा मेंटेन किया है, रिकॉर्डिंग मेंटेन की है, उनका एनालिसिस करते हैं, उनका इंटरप्रिटेशन करते हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट इज सुपरविजन, सुपरविजन के बेसिस पे कैसे आप कह सकते हैं कि अकाउंटिंग और बुक कीपिंग डिफरेंस है। द जॉब ऑफ अ बुक कीपर डज नॉट इंक्लूड सुपरविजन एंड चेकिंग द वर्क ऑफ एन अकाउंटेंट, अकाउंटेंट के वर्क को जो बुक कीपर चेक नहीं कर सकता है, अकाउंटेंट के वर्क को बुक कीपर चेक नहीं कर सकता है, जबकि एन अकाउंटेंट जॉब इंक्लूड्स सुपरविजन एंड चेकिंग ऑफ द वर्क डन बाय द बुक कीपर। बुक कीपर के थ्रू क्या वर्क किए गए हैं उसको चेक करने के लिए अकाउंटेंट मीन्स उसको अकाउंटेंट चेक कर सकता है, वो उनकी जॉब में उनकी ड्यूटीज में इंक्लूड होता है, किनके, अकाउंटेंट के। तो ये सुपरविजन के बेसिस पे डिफरेंस। देन स्टाफ इन्वॉल्व, लास्ट पॉइंट इज स्टाफ इन्वॉल्व, द फंक्शन ऑफ बुक कीपिंग इज एन ऑर्गेनाइजेशन इज परफॉर्म बाय द जूनियर स्टाफ, जो ऑर्गेनाइजेशन में बिजनेस में जूनियर स्टाफ होते हैं उनके थ्रू बुक कीपिंग की जाती है, और जो एक्सपर्ट सीनियर स्टाफ होते हैं उनके थ्रू अकाउंटिंग की जाती है। तो ये डिफरेंस हुआ स्टाफ के बेसिस पे। तो आप ये देख रहे हैं कि ये जो मैंने डिफरेंस पूरा बताया आपको, इस डिफरेंस से मतलब आप ये कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं कि बुक कीपर जो होता है वो प्राइमरीली रिकॉर्डिंग करता है बिजनेस ट्रांजेक्शन की, देन जो अकाउंटेंट होता है या अकाउंटिंग में आप कह सकते हैं रिकॉर्डिंग के साथ साथ बुक्स ऑफ मेंटेनिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट्स के साथ साथ हम एनालाइज और इंटरप्रिटेशन भी करते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का है फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग मीन्स लेखांकन के कार्य, लेखांकन के क्या क्या फंक्शंस है, क्या क्या प्रोसेस है। तो सबसे पहला फंक्शन है आइडेंटिफाइंग, देन सेकंड फंक्शन इज रिकॉर्डिंग, फर्स्ट इज आइडेंटिफाइंग, सेकंड इज रिकॉर्डिंग, थर्ड इज क्लासिफाइंग, फोर्थ इज समराइजिंग, फिफ्थ इज एनालाइजिंग, सिक्स इंटरप्रेटिंग एंड सेवंथ इज कम्युनिकेटिंग। तो ये सात पॉइंट स्टेप बाई स्टेप है फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग के। तो सबसे पहले फंक्शन की हम लोग बात करते हैं अभी आइडेंटिफाइंग। आइडेंटिफाइंग में क्या होगा, हमें मॉनेटरी ट्रांजेक्शंस जो भी हुए हैं ऑर्गेनाइजेशन में, जो भी बिजनेस में, उनको आइडेंटिफाई करना होगा, जिनकी बाद में हम रिकॉर्डिंग करेंगे। तो पहला पॉइंट होगा आइडेंटिफाइंग, देन सेकंड इज रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग में क्या करते हैं, हम बुक्स मेंटेन करते हैं, या कह सकते हैं कि जो भी ट्रांजेक्शंस हुए हैं बिजनेस में उनकी रिकॉर्डिंग करते हैं, और रिकॉर्डिंग जो करते हैं वो कहलाता है, जो रिकॉर्डिंग करते हैं वो हम लोग करते हैं जर्नल में। आगे हम चल के पढ़ेंगे जर्नल, तो पूरा वहां पे डिटेल हम आपको बताएंगे जर्नल क्या होता है। देन नेक्स्ट पॉइंट इज क्लासिफाइंग। क्लासिफाइंग में डिफरेंट हेड्स ऑफ अकाउंट्स हम लोग प्रिपेयर करते हैं, जो भी हमने जर्नल में रिकॉर्डिंग किया है उनको डिफरेंट डिफरेंट हेड्स में क्लासिफाई करते हैं। तो इसके लिए हम लोग पढ़ते हैं लेजर, जो आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे। देन थर्ड पॉइंट इज समराइजिंग। समराइजिंग में हम लोग बनाते हैं ट्रायल बैलेंस, ये भी हम लोग आगे चलकर डिस्कस करेंगे।
एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग, कम्युनिकेटिंग, ये सब आप कह सकते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम लोग बनाते हैं इसके लिए। जो कि हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे। देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के बाद जो हमें फाइनेंशियल पोजीशन पता चलती है, हम उसको डिफरेंट इन्वेस्टर्स, स्टेक होल्डर्स, इन सबको कम्युनिकेट करते हैं, इन सबको बताते हैं कि हमारे फाइनेंशियल पोजीशन हमारे बिजनेस की, हमारे ऑर्गेनाइजेशन की क्या है। तो ये एक प्रोसेस है, किसी भी बिजनेस में ये एक प्रोसेस है, जो कि सबसे पहले हम आइडेंटिफाइंग करेंगे, देन उस ट्रांजेक्शन की रिकॉर्डिंग करेंगे, देन क्लासीफाई करेंगे अलग अलग डिफरेंट हेड्स में, अकाउंट मेंटेन करेंगे डिफरेंट अकाउंट्स, देन समराइज करेंगे उसको और समराइज करेंगे, जिसमें हम ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, देन हम एनालाइज करेंगे, इंटरप्रेट करेंगे, और लास्ट में हम उसको डिफरेंट जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं उनको कम्युनिकेट करेंगे कि हमारे बिजनेस का एंड रिजल्ट क्या है। तो इसी चीज़ को हमने यहाँ पे डिटेल कर रखा है, आइडेंटिफाइंग, रिकॉर्डिंग, देन क्लासीफाइंग, देन समराइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, जो है एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग। हमने अभी पढ़ा ऑब्जेक्टिव्स, स्कोप, फंक्शन, अकाउंटिंग के बारे में पढ़ा, देन अब हम लोग ये समझते हैं कि अकाउंटिंग के लाभ क्या हैं, लेखांकन के लाभ क्या हैं, हम क्यों अकाउंटिंग करते हैं। इट हेल्प्स इन मैनेजमेंट, अकाउंटिंग हेल्प करता है मैनेजमेंट में। द इंफॉर्मेशन जनरेटेड थ्रू द प्रोसेस ऑफ अकाउंटेंसी इनेबल्स द मैनेजमेंट ऑफ अ कंपनी टू परफॉर्म दिस जॉब इन एन एफिशिएंट मैनर बाय एप्रोप्रिएट प्लानिंग, मॉनिटरिंग एंड टेकिंग डिसीजन टू द एडवांटेज ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट से, मैनेजमेंट के लिए ये इस तरीके से हेल्पफुल है, अगर हम प्रॉपर रिकॉर्डिंग कर रहे हैं अपने बिजनेस में सारे ट्रांजेक्शन की, तो हमें लास्ट में फाइनेंशियल पोजिशन पता चलती है। जब हमें कंपनी की फाइनेंशियल पोजिशन पता चलेगी, तो उससे हम अप्रोप्रिएट प्लानिंग मॉनिटरिंग और हमें क्या डिसीजन लेना चाहिए इन फ्यूचर अपने बिजनेस में, वो इन सब चीज़ों में हेल्पफुल होगा। तो इसलिए आप ये कह सकते हैं कि मैनेजमेंट के लिए हेल्पफुल है अकाउंटिंग। तो पहला एडवांटेज ये हो गया। दूसरा है सब्स्टिट्यूट टू मेमोरी। सब्स्टिट्यूट टू मेमोरी क्या हो गया? सब्स्टिट्यूट टू मेमोरी का मतलब हुआ अकाउंटिंग नेसेसिटेट्स रिकॉर्डिंग ऑफ ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन इन अ साइंटिफिक एंड क्लासिफाइड मैनर। दिस एलिमिनेट द नीड टू मेमोरी ऑल द ट्रांजेक्शन एंटर इन टू बाय अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, जितने भी डे टू डे के ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, उनको लर्न कर पाना बहुत मुश्किल है, उनको मेमोरी में रख पाना कि हाँ डे टू डे में क्या ट्रांजेक्शन हुए हैं, ये आसान नहीं है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? अकाउंटिंग करते हैं। तो अकाउंटिंग से ये हमें फायदा है कि ये सब्स्टिट्यूट के तौर पे काम करता है, मेमोरी के सब्स्टिट्यूट के तौर पे। देन कंपैरेटिव स्टडी। कंपैरेटिव स्टडी में क्या है? लाभ एवं हानि के खाते तथा चिट्ठे के रूप में वित्तीय विवरण लेखांकन के अंतिम उत्पाद होते हैं, जो एक कंपनी के प्रबंधन को एक वर्ष के वार्षिक परिणामों की तुलना करने तथा आवश्यक कार्यों के प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान करते हैं। कंपैरेटिव स्टडी का सिंपल मतलब ये हुआ, हम अपने बिजनेस में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट अकाउंट, ये सब बना पाते हैं, क्योंकि हमारे पास अकाउंटिंग में सारी रिकॉर्डिंग है, हमारे पास सारी बिजनेस की रिकॉर्डिंग है। जब बिजनेस में ट्रांजेक्शन की रिकॉर्डिंग होगी और हम फाइनेंशियल अकाउंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर कर पाएंगे, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट के फॉर्म में होगा, तो उससे हमें अपने कंपनी की पोजिशन पता चल पाएगी, जिससे कि हम इस ईयर या जो भी नेक्स्ट ईयर है, अगर हमारे पास पूरा डेटा है, पूरा रिकॉर्ड है, तो हम ये कंपेयर कर सकते हैं कि हमारा बिजनेस किस तरीके से आगे ग्रो कर रहा है। देन सेकंड पॉइंट इज सेटलमेंट ऑफ टैक्सेशन लायबिलिटी। टैक्सेशन लायबिलिटी को सेटल करने के लिए भी जब डिफरेंट बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन रखेंगे आप, तो आपको बहुत आसानी होगी टैक्स लायबिलिटी पे करने में। जैसे कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के डिफरेंट टैक्सेस होते हैं, जैसे कि इनकम टैक्स, सर्विस टैक्स, सेल्स टैक्स, ये सारे टैक्स आप इजीली पे कर पाओगे। तो ये भी एक आपका पॉइंट हो गया अकाउंटिंग ऑफ, एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग। देन एविडेंस इन कोर्ट। जो आप रिकॉर्डिंग कर रखे हो, जो आप सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग कर रखे हो ट्रांजेक्शन की, अगर बाई चांस कुछ भी जरूरत पड़ती है, तो आप कोर्ट में एविडेंस के तौर पे इसको प्रस्तुत कर सकते हो। तो ये भी एक तरीके से एडवांटेज है। पॉइंट है सेल ऑफ बिजनेस। सेल ऑफ बिजनेस के सेंस में अकाउंटिंग कैसे हेल्पफुल है, या उसका एडवांटेज कैसे अकाउंटिंग का सेल ऑफ बिजनेस में है। तो यहाँ पे सिंपली आप ये समझिए कि जब भी कोई भी व्यवसाय को सेल करना होगा, जब भी किसी बिजनेस को सेल करना होगा, तो सामने वाला कितने में उसको परचेज करे, इसके लिए जब हमारे पास अकाउंटिंग रिकॉर्डिंग है पूरी, पूरे साल भर के डेटा हमारे पास है, कंपनी के पूरे डेटा हमारे पास रखे हुए हैं, तो उस डेटा से हम ये डिसाइड कर पाएंगे कि हम अपनी कंपनी को सेल करने के लिए क्या कॉस्ट रखें, और जो क्रेता होगा या जो परचेजर होगा उसके लिए भी इजी होगा ये डेटा को एनालाइज करते हुए कि वो किस अमाउंट में आपकी कंपनी को परचेज कर सके, या किस
लागत से कंपनी को वो खरीदे। तो ये हो गया सेल ऑफ बिजनेस के सेंस में। देन हम लोग नेक्स्ट टॉपिक बात करते हैं डिसएडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के डिसएडवांटेज क्या है? अभी तक जितना भी हम लोग पढ़ रहे थे सब कुछ ये समझ रहे थे कि अकाउंटिंग करने से, बिजनेस ट्रांजेक्शन की रिकॉर्डिंग करने से कंपनी में फाइनेंशियल पोजिशन हमें पता चल जाता है, कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस पता चल जाता है, कंपनी में बैलेंस शीट बना लेते हैं। मगर कुछ अकाउंटिंग के डिसएडवांटेज भी होते हैं, अकाउंटिंग से कुछ हानियां भी होती हैं। क्या होते हैं? जैसे फर्स्ट पॉइंट है नॉन मोनेटरी आइटम ओवरलुक्स। जैसा कि हमने ऊपर ही पढ़ा कि हम अकाउंटिंग में ओनली मोनेटरी ट्रांजेक्शन की रिकॉर्डिंग करते हैं, तो जब मोनेटरी ट्रांजेक्शन की रिकॉर्डिंग करेंगे तो जो नॉन मोनेटरी ट्रांजेक्शन होंगे उनकी रिकॉर्डिंग हमारे पास नहीं होगी अकाउंटिंग में। तो मगर ट्रांजेक्शन तो वो भी एग्जिस्ट करते हैं और बिजनेस में, तो इस वजह से जो नॉन मोनेटरी आइटम होंगे वो रिकॉर्डिंग में नहीं आ पाएंगे। तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है। देन ओरिजिनल कॉस्ट। ओरिजिनल कॉस्ट कैसे कर सकते हैं कि डिसएडवांटेज है? द ओरिजिनल कॉस्ट इज टेकन इनटू कंसीडरेशन व्हाइल रिकॉर्डिंग द डिटेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स, द अमाउंट स्पेंट ऑन देम व्हिच लॉजिकली शुड बी एडेड टू देयर एक्विजिशन कॉस्ट इज नॉट टेकन इनटू अकाउंट, एज अ रिजल्ट देयर ट्रू वैल्यू इज नॉट रिफ्लेक्टेड इन द बैलेंस शीट ऑफ द बिजनेस। ओरिजिनल कॉस्ट की ही रिकॉर्डिंग हम करते हैं कहां पे? अकाउंटिंग में। ओरिजिनल कॉस्ट की जब हम रिकॉर्डिंग करते हैं तो जो भी एक्विजिशन कॉस्ट होते हैं, जो भी और सारे कॉस्ट उसमें एडेड होते हैं, उनकी वैल्यू रिकॉर्ड नहीं हो पाती है। तो जब उनकी वैल्यू रिकॉर्ड नहीं हो पाएगी तो हमें एग्जैक्ट ट्रू वैल्यू नहीं पता चल पाएगी बैलेंस शीट से, क्योंकि कुछ ऐसी भी कॉस्ट हैं जिनकी रिकॉर्डिंग प्रॉपर नहीं हो पाई है, क्योंकि अकाउंटिंग की लिमिटेशन होती है कि वो ओरिजिनल कॉस्ट की ही वैल्यू को रिकॉर्ड करता है। तो डिसएडवांटेज में नेक्स्ट पॉइंट हमारा है पॉसिबिलिटी ऑफ मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन की पॉसिबिलिटी अकाउंटिंग में होती है, क्योंकि अकाउंटिंग में डे टू डे रिकॉर्डिंग्स होते हैं, डे टू डे ट्रांजेक्शन्स की प्रॉपर अकाउंट्स मेंटेन किए जाते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन किए जाते हैं, तो यहाँ पे कुछ मैनिपुलेशंस भी पॉसिबल है। तो ये लिमिटेशन है अकाउंटिंग का। बेसिस ऑन एस्टीमेट्स, जो अकाउंटिंग होती है वो डेटा की जो रिकॉर्डिंग होती है वो समटाइम्स एस्टीमेट के बेसिस पे होती है, sometimes based on estimation instead of actual। जो actual data हो रहा है, means जो actual transactions हो रहे हैं उनकी recording ना हो करके जो estimate basis होते हैं कभी कभी उनके basis पे भी हम लोग recording कर लेते हैं। तो अगर estimate के basis पे होगा, actual नहीं होगा, तो वो data may be correct नहीं होगा या reliable नहीं होगा। तो ये भी एक limitation है accounting के। Then last point is rule of consistency। Some of the companies at times fail to observe the basic tenet of accounting. The underlying principles are compromised in certain cases. This is especially true in case of the depreciation of the fixed asset, as few companies tend to frequently change their policy relating to depreciation on fixed asset from year to year. Inconsistency arising due to following the policy of straight line method. Simple कहने का मतलब ये हो गया कि consistency के rule को हम follow करते हैं accounting में। जैसे कि यहाँ पे और जो अकाउंटिंग होती है, अकाउंटिंग के अंदर हम जैसे डिप्रिसिएशन का एक एग्जांपल लेते हैं। डिप्रिसिएशन में क्या होता है, कोई कंपनी सपोज करिए डिप्रिसिएशन के स्ट्रेट लाइन मेथड के रूल को फॉलो कर रही है। अब स्ट्रेट लाइन मेथड के रूल को फॉलो कर रही है, नेक्स्ट ईयर हो सकता है वो रिटेन डाउन वैल्यू मेथड फॉलो करे, तो मेथड चेंज कर दिया। जबकि अकाउंटिंग कहता है कि कंसिस्टेंसी होनी चाहिए रूल में, तो रूल में जो कंसिस्टेंसी है वो एक तरीके से लिमिटेशन है, क्योंकि अगर वो चेंज कर दिया, इस साल कुछ दूसरा मेथड फॉलो किया, नेक्स्ट ईयर दूसरा मेथड फॉलो किया, तो हमें एंड रिजल्ट को, एंड पिक्चर को समझने में, परफॉर्मेंस को कैलकुलेट करने में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि दो ईयर में अलग अलग मेथड को यूज किया गया है। तो रूल ऑफ कंसिस्टेंसी एक तरीके से डीम लिमिटेशन है, ये लिमिटेशन है अकाउंटिंग के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, जिसको आप गैप के नाम से भी जानते हैं। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक के लिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर से स्टार्ट करेंगे जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। धन्यवाद।